हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और क्या आपको पता है लिव लव फ्रूट इस फिटनेस कंपनी की ओनर कार्ली फ्रेजर ने 2020 में ये खुलासा किया कि बस 6 साल वेजिटेरियन डाइट अपनाने से उसकी आंखें डार्क ग्रीन से ग्रेश ब्लू में तब्दील हो गई। डार्क ग्रीन से ग्रेश ब्लू, पर क्या ये सच्ची में काम करता है? Also, साल 1989 में एक US आर्मी वेटरन एक दिन अपने दोस्त के साथ टैक्सी में जा रहा था, तभी उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकराई और उनके दोस्त का सर ही धड़ से अलग हो गया। जब उस घायल आर्मी वेटरन ने अपने दोस्त के कटे हुए सर की तरफ अपने नजरें घुमाई तो उसने देखा कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस पहले तो शॉक्ड और कंफ्यूज्ड थे और फिर एक्सट्रीम घबराहट के, जिसके बाद उस कटे सर ने अपनी नजरें पहले अपने दोस्त की तरफ घुमाई और फिर अपने धड़ की तरफ, और फिर वो चल बसा। अब क्या इस घटना से यह साबित होता है कि हमारा सर कलाम होने के बाद भी हम कुछ समय तक कॉन्शियस रहते हैं क्या? खैर, इसे तो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप मुझे ये बताओ, जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्किन केयर वाले सिर्फ ऑयली या ड्राई स्किन के लिए ही प्रोडक्ट्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम में से तो कुछ ऐसे भी है जिनकी स्किन ना प्रॉपरली ऑयली होती है और ना ही प्रॉपर ड्राई, तो हम किस कैटेगरी में आते हैं भैया? वेल, द आंसर इज गोना ब्लो योर माइंड। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के साथ चलिए निकलते हैं हमारे जवाबों की खोज में इन आवर टुडेस आस्क टीएसएफ एपिसोड। सो पहला सवाल हमारा है, हाउ कैन योर स्किन बी ऑयली येट ड्राई? हम बचपन से देखते आ रहे हैं ये शैम्पू और फेस क्रीम्स की एड में अलग अलग स्किन टाइप्स का जिक्र होता है कि भैया अगर आप ऑयली स्किन के हो तो ये लगाओ और अगर आप ड्राई स्किन के हो तो वो लगाओ। पर हम में से कई लोग ऐसे हैं जो दोनों ही कैटेगरीज के बीच झूलते रहते हैं, जिनका ना तो स्किन प्रॉपर ऑयली है और ना ही प्रॉपर ड्राई। ऊपर से कुछ तो ऐसे भी है जो कहते हैं कि मेरी स्किन स्कूल में ऑयली थी मगर अब कॉलेज में ड्राई हो गई है। तो आखिर क्या है ऐसे बीच के बंदरों का एक्चुअल इशू, और क्या ये पॉसिबल है कि आपकी स्किन ऑयली भी हो सकती है और एट द सेम टाइम ड्राई भी? क्योंकि ये तो पैराडॉक्सिकल है ना। वेल, लेट्स फाइंड आउट। तो गाइस, हम में से ज्यादातर लोग ऑयली या ड्राई स्किन की कैटेगरी में नहीं आते। मोस्ट ऑफ द पीपल, इंस्टेड हमारी स्किन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन स्किन, जिसमें एक ऑयली टी जोन होता है और बाकी पूरी स्किन ड्राई होती है। आई नो दिस इज न्यू फॉर यू, और आप सोचोगे कि टी जोन क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है? तो टेंशन ना लो, ये कोई भारी भरकम साइंटिफिक टर्म नहीं है। टी जोन मतलब आपका फोरहेड, नाक और चिन, जिसे मिलाकर एक टी जैसा आकार बनता है ना। डॉक्टर जोशुआ ज़ाइकनर, जो माउंट सिनाई मेडिकल सेंटर न्यूयॉर्क सिटी के डायरेक्टर ऑफ कॉस्मेटिक एंड क्लिनिकल रिसर्च है, उनका ये कहना है कि कुछ लोगों के फेस पर इस टी जोन में सेबेसेशियस ग्लैंड्स यानी सीबम यानी ऑयल बनाने वाले ग्लैंड्स ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्किन, और इसीलिए ऐसे लोगों में ये ज्यादा चमकता भी है और साथ ही उनको उस एरिया में एक्नी और ब्लैकहेड जैसी स्किन प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। पर एक और एक स्किन प्रॉब्लम है जो आपके फेशियल स्किन को तो नहीं बट आपके बालों के स्कैल्प को जरूर इफेक्ट करती है, especially in men. Well, मैं बात कर रहा हूँ dandruff की, जो एक क्लियर सबूत है कि आपकी स्किन ऑयली भी और साथ में ड्राई भी हो सकती है। पर्सनली मेरा भी टी जोन काफी ऑयली होता है और मेरे सर में डैंड्रफ भी है। सो देयर यू हैव इट, आपको जो एडवर्टाइजमेंट्स में ये फॉल्स कॉन्सेप्ट बेचा जाता है ना कि आपकी स्किन ऑयली है या आपकी स्किन ड्राई है, नाउ यू नो कि हम सभी की स्किन कॉम्बिनेशन स्किन होती है, जिसका मतलब हमें दोनों कैटेगरी की स्किन प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ सकता है या फिर हम किसी इंडिविजुअल कैटेगरी के एक्सट्रीम प्रॉब्लम से बच भी सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, क्रिकेट किसको पसंद नहीं है यार, और आज मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताने वाला हूँ जिसमें आप अपनी क्रिकेट की नॉलेज से बड़े कैश प्राइजेस जीत सकते हो यूजिंग अमेजिंग एंड द मोस्ट ट्रस्टेड क्रिकेट फैंटेसी ऐप कॉल्ड माई 11 सर्कल। इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर्स VVS लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, अजिंक्य रहाणे ऐसे फेमस क्रिकेटर्स है। सो इट्स 100% ट्रस्टेड ऐप। इंडिया 3 T20s और 2 टेस्ट मैच खेल रहा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड स्टार्टिंग 16th नवंबर, और आपको बस अपने क्रिकेट का नॉलेज यूज करना है और आपको बेस्ट 11 प्लेयर्स पिक करने है दोनों टीम्स में से, और अगर आपके प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं आप बड़े अमाउंट में विनिंग्स जीत सकते हो, मतलब एंजॉयमेंट एंड विनिंग बोथ एट द सेम टाइम। और अगर इंडिया जीतेगी वो मैच तो आपके विनिंग्स डबल हो जाएंगे। नाउ व्हाट्स स्पेशल फॉर यू, पूछो। वेल, मैंने एक स्पेशल लिंक डाला है मेरे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स उस लिंक पे क्लिक करेंगे और ऐप को इंस्टॉल करेंगे उन्हें अमेजिंग कैशबैक बोनांजा ऑफर मिलेगा। अब कितना भी अमाउंट डिपॉजिट करो, 100 रुपया, 1000 रुपए और इवन 10,000 रुपीज, और माई 11 सर्कल वो अमाउंट को 20% ज्यादा बना देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 रुपए डाले तो आपको 1,200 रुपीज मिलेंगे आपके वॉलेट में। ये एक एक्सक्लूसिव ऑफर है, सो प्लीज यूज इट टिल इट इज
अवेलेबल। और अगर आप इस ऐप को अभी डाउनलोड करोगे ना तो आपको 1500 रुपीस का ज्वाइनिंग बोनस अलग से मिलेगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड मेक योर टीम ऑन माय 11 सर्कल एंड स्टार्ट विनिंग बिग। सवाल नंबर दूसरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल ये है जिसको लेकर आप सभी कभी ना कभी भयभीत हो गए होंगे। व्हाट इफ यू गॉट इनटू एन एलिवेटर एंड द केबल ब्रोक? आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले नवंबर 2018 में शिकागो यूएस की चौथी सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग 875 नॉर्थ मिशिगन एवेन्यू में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटी जिसमें एक एलिवेटर विद 6 पीपल ऑन बोर्ड केबल के टूटने के कारण 84th फ्लोर से नीचे गिर गई। अब ये सुनते ही आई नो ज्यादातर लोगों के दिमाग में इमीडिएटली रेस्ट इन पीस वाली फीलिंग आई होगी, पर भाई लोग इतनी जल्दी मातम मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस दुर्घटना में किसी को भी मेजर चोट नहीं आई, इंक्लूडिंग अ प्रेग्नेंट लेडी हु वाज ऑफ कोर्स प्रेजेंट इन दैट लिफ्ट। लेकिन व्हाट द फ्रिकिंग हेल, ऐसे कैसे हो सकता है, यही सोच रहे हो ना आप। एक लिफ्ट 84 फ्लोर्स ऊपर से नीचे धड़धड़ाते हुए नीचे गिरी और फिर भी एक भी इंसान हमेशा के लिए ऊपर लिफ्ट नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो गाइस, ये सारा कमाल उस एलिवेटर में मौजूद अनगिनत सेफ्टी इक्विपमेंट्स का था। सबसे पहली बात तो यह है कि एक एलिवेटर सिर्फ एक ही केबल के भरोसे टंगी नहीं होती। एक ऑर्डिनरी एलिवेटर में अराउंड 2 से 8 स्टील वोवन केबल्स अटैच्ड होते हैं जो इतने मजबूत होते हैं कि इंडिविजुअली भी एक ही वो केबल पूरे लिफ्ट को आराम से उठा सकता है। पर फर्ज करो कि किसी वजह से ये सभी केबल्स कोइंसिडेंटली एक साथ टूट गए, तब तो किसी इंसान की जान जा सकती है ना। वेल नहीं, ये भी एक अनलाइकली सिनेरियो है क्योंकि मल्टीपल केबल्स के अलावा एक एलिवेटर में होते हैं 2 अलग-अलग तरह के ब्रेकिंग सिस्टम्स। पहला ब्रेकिंग सिस्टम काफी सिंपल होता है जिसमें एलिवेटर कैबिन के ऊपर और नीचे 2 इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड मेटल ब्रेक्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ऑफ रहते हैं और जैसी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है वो अपने आप रिलीज हो जाते हैं और एलिवेटर के गाइडिंग ट्रैक को या तो टाइटली पकड़ लेते हैं या उसके दांत जैसे ग्रूव्स में फंस जाते हैं और इससे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन पैदा होता है एंड द लिफ्ट स्टॉप्स। दूसरे सिस्टम में एलिवेटर के वजन से थोड़ा ज्यादा वजन का एक काउंटर वेट उस लिफ्ट से अटैच्ड होता है जो लिफ्ट को गिरते वक्त स्लो करता है। और फाइनली अगर ये सारे ब्रेक्स भी फेल हो गए तो एलिवेटर के पास एक आखिरी ब्रह्मास्त्र भी होता है, अ शॉक एब्जॉर्बर एट द बॉटम। इसमें एक एलिवेटर टनल के बॉटम में किसी गाड़ी के इंजन में मौजूद पिस्टन की तरह एक बड़ा सा पिस्टन लगा हुआ होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने देखा भी होगा इसे, स्पेशली जब लिफ्ट ऊपर होती है और नीचे ग्राउंड फ्लोर के गेट का दरवाजा खोलकर उस पे काम किया जा रहा होता है। इस पिस्टन के अंदर ऑयल होता है। जब कोई एलिवेटर कैबिन धड़ाम से इस पिस्टन पर गिरता है तो वो उसके ज्यादातर फोर्स को किसी कुशन की तरह एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कैबिन के अंदर मौजूद लोगों को कोई मेजर चोट नहीं आती। हाउएवर एक आधी हड्डी टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है और इसीलिए बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसा रेकमेंड करते हैं कि ऐसे समय पर लोगों को तुरंत लिफ्ट के फ्लोर पर लेट जाना चाहिए जिससे इंपैक्ट फोर्स पूरे बॉडी में इक्वली बढ़ जाए और किसी एक हड्डी पर पूरा जोर ना पड़े। खैर बहुत हो गई सेफ्टी की बातें, अब जरा जाते जाते मार काट के भी डिस्कशन कर ही लेते हैं ताकि ये सवालों का सिलसिला एकदम मोनोटोनस सा न लगे। So, do you really stay conscious after being decapitated? Nobel laureate Francis Crick, जिन्होंने DNA का structure दुनिया के सामने रखा था, उन्होंने इस साल 1994 में एक hypothesis भी दुनिया के सामने रखी थी, जिसका नाम था The Astonishing Hypothesis. Now, astonishingly, ये hypothesis जिस book में छपा है, उस book का नाम भी वही है, The Astonishing Hypothesis. खैर, point वो नहीं है. Point ये है कि इस book और hypothesis के जरिए क्रिक ये कहना चाह रहे थे कि human consciousness basically बस हमारे दिमाग में चल रहे अलग अलग neurotransmitters या messenger molecules के कमाल होते हैं जो आपस में इंटरैक्ट करके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनाते हैं और फिर उन इम्पल्सेस से हमें टच, स्मेल, टेस्ट, इमोशंस के साथ साथ जिंदा होने का भी एहसास होता है। पर क्या ये हाइपोथेसिस सही है? वेल, प्रेजेंटली साइंटिस्ट ऐसा मानने लगे हैं कि दिमाग बस एक न्यूरॉन्स का जाल नहीं है जो कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के जरिए हमारे इमोशंस, विल, मेमोरीज एटसेट्रा जैसे एब्स्ट्रैक्ट चीजों को जन्म देता है। इन एब्स्ट्रैक्ट चीजों के वर्किंग के पीछे जरूर कुछ गहराई भी है जिसे शायद इंसान अब तक समझ नहीं पाया है और इसीलिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स मे बी कॉन्शियसनेस से डायरेक्टली लिंक्ड ना भी हो, तब भी एटलीस्ट हमें ये जानने में मदद कर सकता है कि इंसान जिंदा है या मर चुका है। सो इसी सोच के साथ 2011 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था जिसमें कुछ चूहों के सर को ब्रेन वेव्स नापने वाली मशीन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी EEG से कनेक्ट किया गया था और उसके बाद इस ख्याल से कि ऐसा करने से जानवर तुरंत मर जाएगा उनका सर कलाम कर दिया गया।
पर जैसा उन्होंने सोचा था ना वैसा नहीं हुआ, क्योंकि सर कलाम करते ही उन साइंटिस्टों ने ये नोटिस किया कि उन सर कटे चूहों का दिमाग सर काटने के 4 सेकंड्स बाद तक एक्टिव था और 13 से 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में ब्रेन वेव्स पैदा कर रहा था, जो कॉन्शियस और कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे सोचना, गुस्सा करना, एंग्शियस होना या डिसीजन मेकिंग के दौरान ज्यादा देखने को मिलता है। अब क्योंकि इंसानों से सिमिलर जानवर होने की वजह से उनके कई सारे ऑर्गन्स हमसे मिलते हैं, तो क्या इससे ये साबित नहीं होता कि इंसानों का सर कलाम करने के बाद भी कुछ सेकेंड्स या इंसानों का दिमाग बड़ा होने के कारण कुछ मिनट्स तक कॉन्शियस रहेगा? वेल, इसे जानने के लिए हमें आर्काइव्स डे एंथ्रोपोलॉजी क्रिमिनल का सहारा लेना पड़ेगा, जो फ्रेंच भाषा में पब्लिश हुई वो साइंटिफिक जर्नल है जिसमें क्राइम्स और क्रिमिनल से जुड़े हुए कुछ व्याख्याएं लिखे हुए हैं। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान सर कलाम किया गया मर्डरर लैंग्वेल के बारे में। जून 28, 1905 की बात है, सुबह 5:30 बजे लैंग्वेल का हत्या के आरोप में सर कलाम कर दिया गया था, जिसके बाद रेगुलर प्रोसीजर के अनुसार एक डॉक्टर उस सर को उठाकर उस क्रिमिनल का नाम पुकारता है ताकि इंसान कितनी देर तक कॉन्शियस रहता है। जब इसी प्रोसीजर के अंतर्गत डॉक्टर ब्यूरिक्स ने लैंग्वेल के बारे में रिपोर्ट लिखी तो वो कुछ इस प्रकार की थी। इस रिपोर्ट में डॉक्टर ब्यूरिक्स ने ये साफ साफ लिखा था कि लैंग्वेल ने तकरीबन 2 से 3 बार डॉक्टर की आवाज को फॉलो किया और आंखें खोलकर नजारे सीधे डॉक्टर के चेहरे पर फोकस किया, जिससे ये साबित होता है कि डीकैपिटेशन के कुछ सेकंड्स बाद तक इंसान का सर कॉन्शियस रहता है और अपनी आसपास हो रही चीजों की तरफ थोड़ा सा ही क्यों ना, लेकिन रिस्पॉन्ड जरूर करता है। सो या Now you have the answer. चलिए बढ़ते हैं हमारी आखिरी सवाल की ओर। क्या ये खाने से आपकी आंखों का रंग बदल सकता है? Well, इसे समझने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आंखों में रंग आता कहां से। तो देखो यार, हमारी आंखों के आयरिस में 3 तरह के पिगमेंट्स बनते हैं जो उसके कलर को डिटरमाइन करते हैं, ब्राउन यूमेलानिन, दूसरा ब्लैक यूमेलानिन और तीसरा फोलेमेलानिन। अब ऑलमोस्ट सभी लोगों में ये तीनों पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, मगर किसी की आंखों में कौन सा पिगमेंट ज्यादा है और कौन सा कम, इसी से फाइनल आई कलर डिसाइड होता है। मिसाल के तौर पर ब्राउन या ब्लैक आईज में ब्लैक और ब्राउन दोनों ही यूमेलानिन्स अलग अलग कॉम्बिनेशंस में मौजूद होते हैं और फोलेमेलानिन ना के बराबर मौजूद होता है। बट ऑन द अदर हैंड, ब्लू या ग्रीन आंखों में फोलेमेलानिन ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, ब्राउन मेलानिन कम क्वांटिटी में और ब्लैक यूमेलानिन ना के बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्हीं 3 आंखों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपकी आईज को आपका आई कलर मिलता है। पर आखिर आंखों को कैसे पता चलता है कि भाई कौन सा पिगमेंट कितना बनाना है और उन्हें प्रोड्यूस कौन करता है? वेल, इसका जवाब है जेनेटिक्स। इस साल मार्च में पब्लिश हुए एक स्टडी के अनुसार हमारे डीएनए में तकरीबन 50 से भी ज्यादा जीन्स होते हैं जो मेलानिन बनाने वाले सेल्स यानी मेलानोसाइट्स की तादाद और एबिलिटीज को डिटरमाइन करते हैं। और ये तो आप जानते ही हो कि आपके जीन्स कहाँ से आते हैं, आपके माता पिताजी से। पर क्या इसका मतलब ये है कि कार्ली फ्रेजर लोगों को गुमराह कर रही है एक झूठी कहानी बताकर? वेल, अभी से इसे जड़ से खारिज करना शायद गलत होगा, क्योंकि कई सालों से डिटॉक्स स्पेशलिस्ट और इरिडोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे डॉक्टर मॉर्स का ये मानना है कि हमारे आयरिस के अलग अलग हिस्सों का कलर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ से इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी स्टडी को इरिडोलॉजी कहते हैं। सो maybe कार्ली के 6 महीनों के वेजिटेरियन डाइट से उसकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई हो और उन टॉक्सिन्स को निकालने से उनके आंखों का कलर लाइटर शेड्स में तब्दील गया हो। अब मैं यहाँ पे ये बता दूं कि मैंने यहाँ पे maybe ये शब्द इस्तेमाल किया है क्योंकि इरिडियोलॉजी के फील्ड में अभी भी रिसर्च जारी है। सो इन रिसर्चर के अलावा कोई भी इसे 100% सर्टेनिटी से नहीं कह सकता। Now, we have spoken about something we do not know as of yet, but let's now talk about something जो हमें already पता है। जब मरने के बाद हमारे बाकी के शरीर के muscles अकड़ने लगते हैं ना, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि सर काटने के बाद दिमाग तक खून ना पहुंचे और उसके कारण facial muscles भी अकड़ने लगे और बाकी के लोगों को वो change in expression के रूप में नजर आने लगे। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? आपका इस पर क्या विचार है फ्रेंड्स? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अपना जवाब। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। ऐसे ही नॉलेजेबल, क्यूरियस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको आगे भी देखते रहना है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले माई 11 सर्किल ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, 20% एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा और 1500 का ज्वाइनिंग बोनस। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind! इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।